आपके पसंदीदा स्टोरी टाइम की नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक गांव के बाहर बहुत पुरानी एक हवेली थी। उस हवेली में कोई भी नहीं रहता था। पहले वहां एक बूढ़े दादाजी रहते थे और उनके गुजरने के बाद वो हवेली बंद ही थी। दादाजी का पोता विदेश में रहता था। उसने उस हवेली को बेचने की बहुत कोशिश की, पर गांव के लोग उस हवेली को भूतिया हवेली मानते थे, क्योंकि दादाजी के गुजरने के बाद वहां कुछ अजीब अजीब चीजें होती थी। रात में डरावने आवाज सुनाई देते थे, इसीलिए गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। एक दिन राघव छुट्टियां मनाने के लिए अपने मामा के यहाँ आया। अरे राघव, तुम तो शहर में रहते हो, जरा हमें भी तो बताओ कैसा होता है शहर। अरे तुम्हारे गांव से तो कब ही खूबसूरत होता है। छोड़ो ना, चलो आज हम बहुत खेलेंगे। वे सारे दोस्त और राघव जाते जाते उस हवेली के पास से गुजरने लगे। अरे ये हवेली कितनी सुंदर है। राघव चलो यहाँ से जल्दी, भागो यहाँ से, भागो भागो। क्या हो गया, ऐसे क्यों भागे हम लोग? अरे बाबा, वो भूतिया हवेली है, वहाँ देखना भी बंद। गांव का कोई भी इंसान उसकी तरफ देखता भी नहीं है। क्या भूतिया? भूत भीत कुछ नहीं होता चिंगी, हमारे टीचर ने भी बताया है हमें। अरे देखो राघव, तुम यहाँ नए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, पर वो सच में भूतिया हवेली है। वहां रात में बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। अरे दोस्तों, वो सब जाने दो ना, हम यहाँ खेलने आए हैं ना। चलो चलो। और फिर सब बच्चे खेलने में लग गए। उस दिन सारे बच्चे बहुत खुश थे, उन सब ने मिलकर बहुत खेल खेले। शाम होने पर वो सारे घर के लिए निकलते हैं। घर जाते जाते उन्हें रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मिलता है। अरे ये कितना प्यारा है, चलो इसे हम घर लेके चलते हैं। सारे बच्चे अपने साथ उस कुत्ते को घर ले आए। सबने मिलकर उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसका नाम मोती रखा। अब मोती भी उन सब के साथ खेलने जाता था। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करने लगे थे। सब
दिन भर उसके पीछे घूमते रहते थे। एक दिन रोज की तरह ही वो सब बच्चे और मोती खेलने जा रहे थे। तभी मोती अचानक भागते भागते उस भूतिया हवेली में चला गया। अब क्या करें हम? हमारा मोती हवेली में चला गया। अरे रुको, मैं लेकर आता हूँ। हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ राघव, वो भूतिया हवेली है। अरे पर हमारे दोस्त को ऐसे अकेला कैसे छोड़ दे? मैं तो उसे लाने जा रहा हूँ। तुम लोगों को आना है तो आओ। राघव, मैं राघव को ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं भी जाती हूँ। मानव को छोड़कर बाकी बच्चे भी राघव के पीछे पीछे उस हवेली में गए और मानव तुरंत गांव में सभी के माता पिता को बताने के लिए भागा। हिम्मत करके राघव और उसके दोस्त अंदर गए, पर अंदर हवेली में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोती, मोती, राघव, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, और तुम्हारा भूत भी नहीं है। इतने में एक कमरे से जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगी। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राघव उस कमरे के पास गया, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे भी गए। अरे राघव, यहाँ तो खाने के हाँ, ऐसा लगता है किसी ने अभी अभी खाना खाया है। क्या भूत ऐसे खाना खाते हैं? अरे बाबा, छोड़ो वो सब। हमें तो मोती को ढूंढकर यहाँ से जल्दी निकलना है। इतने में दो लोगों की बातें उन्हें सुनाई दी। अरे यार, क्या अच्छी हवेली मिली है हमें। हाँ, वो भी फ्री में। ये गांव के पागल लोगों को लगता है यहाँ भूत है। उन्हें क्या पता कि भूत भी कुछ नहीं, वो आवाजें हम ही निकालते हैं। जिसकी हवेली है वो भी यहाँ देखने तक नहीं आता। वो रहा मोती, मोती, मोती यहाँ। तुम कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सब सुन लिया है बच्ची, अब हम गांव में सबको बता देंगे। सबको बताने के लिए तुम लोगों को यहाँ से पहले निकलना होगा, और हम तुम लोगों को यहाँ से निकलने ही नहीं देंगे। दोस्तों, हमला! ये! और सारे बच्चे मिलकर उन चोरों को ही मारने लगे। अरे देखो, हम भूत हैं, भूत हैं हम। मत मारो, मत मारो हमें। और थोड़ी देर बाद मानव वहाँ सभी बड़ों को लेकर पहुंचा। देखिए, ये कोई भूतिया हवेली नहीं है, इन चोरों ने यहाँ कब्जा करके रखा था। यही वो लोग हैं जो रात में डरावनी आवाजें निकालते हैं। हमें माफ कर दीजिए। कैसे माफी? अब तुम्हें जेल में ही दिखाता हूँ भूत, चलो। अरे वाह बच्चों, आज तुम्हारी वजह से इन चोरों से सारे गांव को छुटकारा मिला और ये हवेली भूतिया नहीं रही। ये सब तो राघव के कारण हुआ है पापा।
हमें तो इस मोती का ही धन्यवाद करना चाहिए। और वैसे तो मुझे पता ही था भूत भी कुछ नहीं होते। और क्या, सभी गांव वाले बच्चों की तारीफ करने लगे। तो दोस्तों, आज की भी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए जल्दी से कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।